हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, मानव अपने इतिहास के प्रारंभ से ही सुख समृद्धि शांति पर काम करता आया है, और एक गार्डनर के तौर पर मैं जितना सुनता आया हूँ, जितना समझता आया हूँ, जितना पढ़ता आया हूँ कि मनी प्लांट हमारा एक ऐसा प्लांट है जो कि समृद्धि का परिचायक है, ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुई मान्यता, इसके बारे में तो हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम किसी चीज़ को सुनते आते हैं तो उसको हम मानने भी लगते हैं, और यही ठीक भी है। दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे हिंदू धर्म में सीधे सीधे धन का पौधा कहा जाता है। इसको दोस्तों लक्ष्मी का रूप माना जाता है, धन के रूप में लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि जब भी हम इसको पौधों को लगाएं, ये ध्यान दें कि डाली इसकी नीचे नहीं लटकनी चाहिए। नीचे मतलब फर्श नहीं टच करनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि सीधे सीधे हम इसको एक लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं। तो हमें इसको ये इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, या तो हम इसको कट कर देंगे, या तो हम इसको ऊपर कहीं अरेंज करेंगे जो कि इसको भूसी भी बनाने में काम करेगा। ये तो बात हुई दोस्तों इस संदर्भ में जो धार्मिक पक्ष है, जो पौधे के बारे में एक हमारी धार्मिक समझ है, मान्यता है। आज का मुद्दा ये नहीं है बात करने का, मुख्य रूप से मुद्दा ये है दोस्तों कि इस मनी प्लांट को हम भूसी कैसे बनाए हैं। दोस्तों, भूसी कैसे हम बनाए हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे। जब बात भूसी बनाने की आती है तो एक जनरल सी समझ हमारी बनती है एक गार्डनर के तौर पर कि बस हम उसकी प्रूनिंग कर दें और वो खूब घना हो जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा एक ज़रूरी एक्सरसाइज है, वो तो है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी कि मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, वो तय करते हैं कि अल्टीमेटली पौधा हमारा भूसी कैसे बनेगा, कैसे बनता है फाइनली। दोस्तों बात जब इसकी होती है तो मैं ये बता दूं आपको कि हम पत्तियों की बात थ्रू इसको भूसी बनाना चाहते हैं, यानी पत्तियां जितनी ज़्यादा होंगी भूसी बनेगा। तो पत्तियां ज़्यादा होने का एक रीज़न हम लोग निकालते हैं कि उसमें टहनियां ज़्यादा हों, ये कारण तो हो सकता है प्रूनिंग से घना होगा, क्योंकि जितनी टहनी होंगी उतनी ज़्यादा पत्तियाँ भी होंगी। लेकिन दोस्तों, इन टहनियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पत्तियां जनरेट कर पाएंगी। उसके अलावा घना होने के लिए क्या ज़रूरी है, पत्तियों की साइज बड़ी हो। देखिए इस पत्ती की साइज, देखिए पत्तियों की साइज बड़ी होनी चाहिए। वो सब कैसे, तब जाके हमारा पौधा एक बृहद एक सुंदर घने रूप में दिखेगा। आप देख रहे होंगे इस पौधे में गमले की मिट्टी बहुत मुश्किल से दिख पा रही है, और मॉस स्टिक जो कि इसकी सहारा है खड़े होने में भी, और इसको न्यूट्रिशन और नर्चरिंग में भी बहुत बड़ा रोल है इसका। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि मॉस स्टिक का क्या काम होता है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके। तो ऐसे में दोस्तों ये हम जानेंगे कि प्रूनिंग के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको भूसी बनाएंगे। हमारे पास ठीक ऐसा ही एक प्लांट और है दोस्तों, जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो आप देखे होंगे, वो भी इसी रूप में आ रहा है लगभग। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। दोस्तों, पत्तियाँ कब बड़ी होती हैं, पत्तियों को चाहिए क्या होता है, न्यूट्रिशन में पत्तियों का पहला पसंद क्या है, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का रेगुलर इसका डिमांड पूरी होनी चाहिए। NPK या ग्रोबर की खाद एक राइट चॉइस है, कम से कम मंथ में एक बार इस तरह के पौधों में जहाँ हम जमीन उसकी मिट्टी में नहीं दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालें, चाहे वो NPK का हो, चाहे वो काउडंग हो, या वाट एवर द सोर्स वेयर द वी कैन गेट NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस क्या करता है दोस्तों, तना मजबूत करता है, जब तना मजबूत होगा तो वो न्यूट्रिशन को होल्ड करेगा, जब न्यूट्रिशन को होल्ड करेगा तो पत्तियों को देगा, पत्तियां जब न्यूट्रिशन अच्छा पाएंगी तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कॉन्डक्ट अच्छा करेंगी, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छा कॉन्डक्ट होगा तो अल्टीमेटली पूरा पौधे का सब कुछ मेटाबॉलिक जो एक फंक्शन है जिससे कि सारे पत्तियों की हरियाली वेरिगेशन सब कुछ आता है, वो चीज़ ठीक होगी और पत्तियाँ बड़े साइज की होंगी, पत्तियों को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके पास तने के पास
पर्याप्त एनर्जी रहेगी कि जिससे पत्तियां लेना चाहें तो ले लें, सारी ऊर्जा केवल नई पत्तियों को निकलने में ही पौधे की नहीं जाएगी। हम प्रूनिंग क्यों करते हैं? प्रूनिंग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको काट देते हैं तो अब क्या होगा, पौधे की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी नहीं, तो इस पत्ती को देना शुरू करेगी, नई पत्तियाँ निकलना शुरू होगी। यही तो होता है प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों हम इसमें करें क्या कि पहली बात तो बुशी बनाने के लिए पत्तियाँ बड़े साइज़ की हों, पत्तियाँ स्वस्थ हों, पत्तियाँ चमकीली हों, इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का सप्लीमेंट देते रहें। हालांकि इसमें जो मैं पोटेशियम बता रहा हूँ उसका पोटेशियम का बड़ा रोल नहीं है, नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन भी अलग से सप्लीमेंट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रूनिंग, ये तो मैंने बता दिया पत्तियाँ कैसे को। प्रूनिंग में दोस्तों हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भी पत्तियाँ तने अभी इस लेवल तक चले जाएँ कि जहाँ पर वो गमले के लिए जो मैं हमने प्लांट किया है उसके लिए अब इसको होल्ड करना स्कोप नहीं है, केवल बाहर ही जा रहा है। जैसे ये चीज़, जैसे आप देख रहे हैं ये बाहर जा रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम इसको कट कर दें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा और यहाँ से नई पत्तियाँ शुरू होंगी। तो इसको हम ऐसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं और ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं, ये देखिए अलग हो गई। तो इस तरह से हम दोस्तों, और ये हमारी जो ज़मीन को टच करने जा रही थी वो भी नहीं होगी। तो ये दोस्तों इस तरह का काम ज़रूरी है। अब बात आई ट्रिमिंग की। ट्रिमिंग क्या करता है दोस्तों? ट्रिमिंग भी एक तरह से पौधों को घना बनाने में रोल प्ले करता है, लेकिन बात जब ट्रिमिंग की आती है तो हम उसको यूँ समझते हैं कि पौधे को अच्छा कैसे शेप दें, यानी जिधर कम पत्तियाँ हैं उधर ज़्यादा आएँ, जिधर ज़्यादा हैं उधर बैलेंस हो। तो ऐसे में हम लोग को ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है और इस तरह के पौधों को जहाँ पर इसकी तने घूम जाते हैं उसको दूसरी तरफ भी ले जा कर के एडजस्ट कर देते हैं, तब जा कर के पौधा हमारा ट्रिमिंग भी हो जाती है और वो खूबसूरती अपनी बिखेरता है। दोस्तों आप दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, इन पत्तियों को भी हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये पूरी तरह ज़मीन मतलब कट के गिर नहीं जाती हैं तब तक ये करती क्या हैं कि ये एनर्जी लेती रहती हैं कहीं ना कहीं, और अल्टीमेटली इनका कुछ होना नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह ये सूखी पत्तियाँ हटा दें। इस तरह सूखी पत्तियों का कारण क्या है दोस्तों? या तो ये पौधा बहुत धूप में रह रहा है, जहाँ पर पत्तियों में हो सीधी लंबी धूप पड़ रही है, या तो पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे केस में है दोस्तों कि गर्मी की वजह से थोड़ा सा पानी हम लोग एक्सेस दिया जा रहा है घर वालों की तरफ से, ताकि पौधा हमारा हरा भरा रहे। ऐसे में संभव है कि पानी कुछ ज़्यादा हो और उसका नतीजा हो ये। अब आखिरी बात उसके लिए, पत्तियाँ दोस्तों साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पत्तियाँ जब साफ़ सुथरी होती हैं तभी वो बेस्ट वर्जन में अपना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाती हैं, इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और इन टर्म्स ऑफ देयर ब्यूटी। यानी उनका ब्यूटी भी तभी निखरता है जब वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी होती हैं। तो हमारी दोस्तों यही आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में मनी प्लांट लगाएं तो नीचे ज़मीन पर ना जाए, उसकी लताएं ये सुनिश्चित कर लीजिए। अगर ऐसा है तो किसी इस तरह के हमारी तरह, जैसे हमने यहाँ पर आप देखें इस तरह के हमने स्टूल पे रखा हुआ है, स्टूल फ्री था हमारे घर में तो हमने इसको रख दिया है। और अगर नहीं ऐसा ज़मीन पर रखना चाहते हैं तो कम से कम इस तरह के यहाँ पर हम अगर हटा देते हैं तो भी अच्छा रहेगा दोस्तों, धार्मिक मान्यता अनुसार। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर हमेशा हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमें चाहे जहाँ से जानकारी जुटानी पड़े, पढ़ना पड़े, कुछ देखना पड़े। इसमें दोस्तों हम लोग ये इंडोर प्लांट और बेसिकली मानते हैं कि ब्राइट लाइट में या इंडोर भी बहुत अच्छे से करता है और करता भी है दोस्तों। मान्यता है दोस्तों कि एक मतलब कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसे में हम लोग इसको बंद कमरे में ना रखें जहाँ पर हमारा बेडरूम है, इसको हम लोग आउटर एरिया में रखें। अगर घर में रखना भी चाहते हैं तो कम से कम नाइट आवर्स में ना रखें, अगर बेडरूम में रखना चाहते हैं तो नाइट आवर्स में ना रखें। तो दोस्तों बुशी बनाने को लेकर के जो मैंने ये वीडियो बनाया, आप देखें ये प्लांट कितना बुशी है, चारों तरफ से आप देखें इसमें मॉस स्टिक नहीं दिख रही। हम इसमें दोस्तों इन दिनों गर्मियों में रेगुलर इस पर वाटर स्प्रे किया जा रहा है, रेगुलर वाटर स्प्रे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी पत्तियों को अगर आप चाहते हैं बड़ी साइज़ की हो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दोस्तों इसकी पत्तियों को बड़ा साइज बनाने के लिए इसके ऊपर अगर हम एक लीटर पानी में एक दो चम्मच केवल कच्चा दूध मिला करके हफ्ते में एक दिन स्प्रे करते रहें तो ये पौधे का जो बेस्ट वर्जन है पत्तियों का वो निखर के आएगा, साइज भी बड़ी होगी, वेरिगेशन भी होगा। बशर्ते हम इसकी पोजीशनिंग ब्राइट लाइट एरिया में इन दिनों करें, गर्मी में, सर्दी में तो फुल डे लाइट भी अफोर्ड कर सकता है। इवन ये ऐसा पौधा है दोस्तों, ये हर मौसम को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक्सेस जब चीज़ें होने लगती हैं, कब कुछ एरियाज में 46-47 डिग्री 48 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो वहाँ पर भी पौधा को दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की आपके काफ़ी काम आएगी, और इस मनी प्लांट को आप अपने घर में काफ़ी अच्छे ढंग से रखेंगे और इसकी पूरी ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।